बहुत सारे किसानों का ये सवाल होता है कि केमिकल में इस साल में अगर कोई नया केमिकल आया है तो आपको वो दवाई बड़ा असर देती है, दो साल के बाद में किसानों का यह अनुभव है कि आपको वो दवाई असर नहीं दे रही है। बहुत सारे किसान बोलते हैं दवाई अभी कंपनी डुप्लीकेट बना रही है, होता है ऐसे किसानों के साथ में? दो साल पहले तक रिजल्ट देती है, दो तीन साल के बाद में कोई दवाई रिजल्ट नहीं देती, आपको लगता है कि कंपनी ने डुप्लीकेशन करी है, कोई डुप्लीकेशन नहीं करी है। केमिकल के साथ में क्या होता है, बार बार आप जब भी केमिकल लेते हैं, एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं, अपना डबल दवाई का एग्जाम्पल हो जाए, पैरासिटामोल पता है आप लोगों को? पैरासिटामोल बुखार आने के बाद में टेम्परेचर ना चढ़े इसीलिए डॉक्टर पैरासिटामोल देता था। कितने आदमियों के डॉक्टर है यहाँ पर? आदमी के डॉक्टर कितने हैं? आप है, आप भी है। आप लोग क्या करते हैं, जब भी बुखार आए तो पेशेंट को क्रोसिन पैरासिटामोल की दवाइयां देते हैं ना सर? ये क्यों देते हैं? टेम्परेचर डाउन हो जाए और बॉडी ठंडी रहे। पैरासिटामोल का परसेंटेज कितना था सर पहले? 250 चलता था, 250 एमजी की दवाई चलती थी, फिर 500 आया, अब तो 600 भी आ गया, 750 भी आ गया ना? क्यों? 250 एमजी में आज पैरासिटामोल काम नहीं करता, टेम्परेचर कम नहीं होता, बट हमारा बिलो 37 आप सालों साल लेते रहिए, उतने में ही आपके बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। हमने पावर बढ़ाई क्या इसकी? नहीं, ये ब्यूटी होती है ऑर्गेनिक की, ये ब्यूटी होती है यमाई लाइफस्टाइल की। सालों साल लेते रहिए, पैरासिटामोल का परसेंटेज बढ़ गया सर 750 mg तक आ गया, बढ़ाओगे 1000 तक आ गया, आदमी गोली लेके मर जाए, यहाँ तक तो आप पैरासिटामोल में पहुँच गए, हमारा बिलो 37 में ऐसे नहीं है। इसी तरीके से केमिकल जब भी आप बार बार छिड़काव करते हैं, जहर का जब भी बार बार छिड़काव करते हैं, लॉ ऑफ इवोल्यूशन की तरह कीड़े की बॉडी अपने आप में ऐसे केमिकल चेंजेस अपनी बॉडी में कर लेती है कि ये जो केमिकल का छिड़काव हो रहा है, बार बार हो रहा है, उस प्रति ये रेजिस्टेंस पावर प्रतिकार शक्ति तैयार करती है अपने शरीर में, ताकि केमिकल का रिजल्ट आपको इस साल मिल रहा है अगले महीने में नहीं मिलेगा, उसके अगले महीने में उससे कम हो जाएगा, अगले साल आपको केमिकल का रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये होता है केमिकल के साथ में। बट हम तो जहर है ही नहीं, हम तो केमिकल है ही नहीं, कीड़े को पता ही नहीं चलता कि उसकी जान 24 घंटे में क्यों चली गई, अपने आप में वो बॉडी में चेंजेस नहीं कर सकता, रेजिस्टेंस डेवलप नहीं कर सकता। इसलिए एक बार आपने किसान को बता दी, सालों साल तक 10 साल तक एक के बाद तो दूसरा भी छिड़काव अगर वो करता है अपनी दवाई का, इसी तरीके से कारगर साबित होता है, जैसे बिलो 37 काम करता है टेम्परेचर के लिए, ऐसे भी कोरोना का टेम्परेचर हो बिलो 37 तो झटके में कम करता है। इसी तरीके से कोई भी कीड़ा हो, अमावस पकड़ के आपने खत्म करो, 12,000 कीड़े का अंत एक स्प्रे में खत्म हो जाएगा, 12,000 कीड़ों को खत्म कर देगा एक स्प्रे काम करेगा। अब ये 12,000 कीड़े हम अगले कुछ, ये कीड़े के बारे में आपको समझ में आ गई, अमावस के बारे में समझ में आ गई, घर जाके कैलेंडर पे 365 दिन के अमावस आप सर्कल करके रखो। इसके बाद ये मत बोलना अमावस आई पीयूसी में मटेरियल था, इंडिया शॉपिंग में मटेरियल था, ऑनलाइन मटेरियल था, नहीं था। अभी से अपना मटेरियल आरक्षित करके रखो, जितने किसानों को, 5 गांव के किसानों को जो आप टारगेट कर रहे हैं, जो आप प्रॉस्पेक्ट्स लेके चल रहे हैं, उन सभी किसानों के लिए जितना मटेरियल चाहिए उतना आज ही आरक्षित करके रखें, क्योंकि आपको उसकी खेती के बारे में भी तो स्टडी करनी है, धंधा करना होगा, बिजनेस करना होगा, तो आपको स्टडी भी करनी होगी। ये सब कुछ आपको अपनी लेवल पे करना है, क्योंकि कोई लीडर आपके खेती के बारे में आके आपको नहीं बता सकता। 12,000 प्रकार के कीड़े हैं, ये कीड़ों को अगर हम जानना लगेंगे तो यहाँ पे 10-15 दिन आपको रुकना पड़ेगा इसी हॉल में,
बट आपको समझाने के लिए हमने इसके चार क्लास किए हैं, चार प्रकार के क्लास है इसके। किस प्रकार से है, जैसे कीड़े डैमेज करते हैं आपके पौधों के ऊपर में, तो वो डैमेज कैसे करते हैं उस प्रकार से हमने कीड़े का क्लास बनवाया है। कौन सा क्लास है, पियर्सिंग एंड सकिंग। पहला क्लास है भेदी और चूसने वाले कीड़े, मतलब आपके जो खेती के पौधे के जो पत्ते हैं, जो हरे कलर के पत्ते हैं, उन हरे कलर के पत्तों का रस चूसने का काम, मतलब हरा कलर चूसने का काम ये कीड़े करते हैं जो आपके खेत में आते हैं। महुआ बोलते हैं उसे, बहुत सारे लोग बोलते हैं महुआ आ गया। जब भी आप खेत में जाते हैं ये उड़ उड़ जाते हैं, पत्तों को पीला कर देते हैं, हरा कलर को चूस लेते हैं। हरा कलर के पत्ते क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं आपके खेतों में, ये मैं आपको बताता हूँ। आम की खेती होती है आपके यहाँ, और कौन से फलों की खेती होती है? आम होता है, सब्जियों की खेती होती है। चलिए एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। सब्जी का ही क्षेत्र है, चलिए सब्जी का एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। टमाटर पता है आपको, टमाटर एक टमाटर का फल जो आपके पौधों के ऊपर में लगता है, एक टमाटर का फल फूल से लेके फल पूरा होने तक, हरे कलर का टमाटर लाल होने तक 21 पत्ते लगते हैं आपके पेड़ के ऊपर में। 21 पत्ते, हरे पत्ते, हेल्दी पत्ते लगते हैं, मतलब एक फल को पोसने के लिए छोटे से लेके बड़ा होने तक आपको 21 पत्तों का जरूरत होता है। मतलब आपके पेड़ के ऊपर में कितनी लागत होगी, कितने फल लगेंगे, कितने फल नीचे गिर जाएंगे या अच्छे होंगे, ये बताता है कि आपके पत्तों पर पेड़ के पत्ते कितने अच्छे हैं, कितने हेल्दी हैं। जब भी आपको ये रस चूसने वाले कीड़े आते हैं, ये हेल्दी पत्तों के ऊपर में नुकसान करते हैं, क्योंकि यही पत्ते होते हैं जो आपके पौधों का कीचन बनता है, कीचन होता है। ये पत्तों में ही सभी बायोकेमिकल रिएक्शन चलती है, फैट सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ये सभी जो बायोकेमिकल रिएक्शन पेड़ में चलता है, पौधों में चलता है, मतलब खाना बनाने की जो प्रक्रिया होती है पौधों में, ये पत्तों में होती है। अगर पत्ते हेल्दी है तो आपको अच्छी उपज आने के चांसेस होते हैं। पत्ते बेकार है या रस चूसने वाले कीड़े आए हैं तो आपके पेड़ के ऊपर में अच्छी उपज नहीं होगी। इसके लिए पियर्सिंग एंड सकिंग, भेदी और चूसने वाले जो कीड़े हैं इनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। दूसरा है च्यूइंग एंड बाइटिंग, चबाने और काटने वाले कीड़े, मतलब इसमें बहुत सारे सुंडियाँ आती है, इल्ली आती है। जब भी आपको फलों को काटा हुआ मिलता है, पत्तों को काटा हुआ मिलता है, या फलों के अंदर में छेद होके बैंगन के अंदर में चले जाते हैं, या तुरई लौकी में आप कभी कभी देखते हैं, आम के अंदर में कभी कभी आम काटने के बाद में अंदर सुंडी मिलती है, हाँ छेद भी करके पेड़ के अंदर भी चला जाता है, फल में भी चले जाते हैं, ये जितने भी कीड़े हैं ये दूसरी क्लास में आते हैं, चबाने और काटने वाले। तीसरे आते हैं रास्पिंग प्लांट टिश्यू, छीलन वाले, ये भी रस चूसने वाले कीड़े हैं, जिसे हम सफेद मक्खी बोलते हैं। मच्छर वाला सेगमेंट और खटमल वाला सेगमेंट दोनों भी रस चूसते हैं, मतलब खून को चूसते हैं, बट उनका मुंह अलग अलग होता है, इसका नुकसान करते हैं, इसलिए रास्पिंग प्लांट टिश्यू। और कुछ कीड़े होते हैं जो जमीन से आते हैं, जड़ों के ऊपर में आपके नुकसान करते हैं, जड़ों को ही खाते हैं, ताकि आपके जो पौधे हैं वो नीचे से जो आपका फूड जाता है या ये होता है, या सफ़ेद जड़ें जो होती है ये न फैलता है, उसी को ख़त्म कर देते हैं। पौधा नाटा हो जाता है, बौना रहता है, उपज ज़्यादा दे नहीं पाता है, मतलब ये बहुत नुकसानदायक कीड़े होते हैं जो जमीन से आते हैं, जमीन में ही नुकसान करते हैं। ऐसे जो कीड़े 12,000 प्रकार के कीड़े हमने चार क्लासेस में बनवाए हैं आपको समझने के लिए। इतना ही समझना है कि कीड़ा आया हुआ है। ये कुछ हमने कीड़े के पिक्चर्स आपको दिखाने की चेष्टा करी है, ये ऑनलाइन है आपके विनय सर के पास में भी, इस सभी प्रेजेंटेशन आपके पास में है।
ये हिंदी में बनके भी आपको मिल जाएगी। ये इस तरह की सुंडियां आपके खेतों में आती है, चिविंग एंड बाइटिंग टाइप। ये सफेद मक्खी के लिए पहले प्रोडक्ट के ऊपर में आते हैं, भूअस्त्र सुपर। अगर हम खेती के बारे में बात कर रहे हैं तो जमीन से शुरुआत करेंगे। जमीन में जो आते हैं कीड़े, जो आखिरी का क्लास हमने देखा था, जो जमीन से कीड़े आते हैं, मोल क्रिकेट, गोबर खाद का कीड़ा, या आपकी जड़ों को नुकसान करने वाले टर्माइट्स को आप क्या बोलते हैं यहाँ पर? दीमक। दीमक आती है ना, बहुत सारे खेतों में दीमक आती है, बहुत सारे खेतों में सफेद लट आती है, गोबर खाद की जो होती है, मोल क्रिकेट आता है। ये क्या है, रात को जब बारिश के दिनों में आप समझते हैं किर्र आवाज आती है ना कीड़ों की, ये भी खेतों में आपके पौधों को नुकसान करते हैं, जड़ों को नुकसान करते हैं, सफेद जड़ों को खा डालते हैं। ये जमीन से आने वाले जितने भी कीड़े हैं जो आपकी जड़ों को नुकसान करते हैं, बीज जब आप लगवाते हैं या चावल की खेती की रोपाई जब आप करते हैं, अभी चावल की रोपाई हो रही है, उस समय जमीन से आने वाले क्योंकि जो चीज की रोपाई हो रही है वो सफेद जो जड़े हैं आपकी खेत में बैठे भी नहीं है, क्योंकि जब रोपाई होती है चावल की, आपने देखा होगा धान की, वो कुछ दिन तो नीचे गिरे हुए रहते और 5 दिन के बाद में वो खड़ा हो जाते हैं। चावल की खेती को ओपन करता है यहाँ पर, आपने देखा है जब भी रोपाई होती है चावल नीचे गिरा हुआ रहता है, 8 दिन के बाद में खड़ा हो जाता है, क्योंकि जड़ें मजबूत हो जाती है। बट जब तक जड़ें मजबूत नहीं होती है उसका संरक्षण करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जमीन में जितने भी कीड़े होते हैं, सांप हो, केकड़ा हो, सफेद लट हो, गोबर खाद डाल रहे हो, दीमक हो, चींटियां हो, इन सभी कीड़ों से जो जमीन से आपकी जड़ों को नुकसान करते हैं। आलू जब भी आप लगाते हैं, आलू की खेती होती है, आलू की खेती जब भी होती है तो आप क्या करते हैं, आलू काट के जमीन में लगाते हैं ना। जब भी आप आलू काट के जमीन में लगाते हैं तो आपने तो कीड़ों के लिए थाली परोस के रखी, जैसे आपका चाहिए सब्जी है ना आलू, हर चीज में आलू चाहिए अपने को, तो चाहिए ना, हर चीज में आलू चाहिए, हर कीड़े को आलू चाहिए। जब भी आप जमीन में आलू डालते हैं कीड़े इमीडिएटली अटैक करते हैं उस आलू के ऊपर में, क्योंकि आपने थाली परोस के रखी उसे जमीन में, वो आता है आलू को खाने की कोशिश करता है, और जो आपका आलू बाहर निकलता है पेड़, वो नुकसान किया हुआ होता है, कमजोर सा निकलता है, कभी कभी नहीं निकलता है। उस समय या रोपाई चावल की जब आप रोपाई कर रहे हैं, धान की जब आप रोपाई कर रहे हैं, उस समय आप जमीन में खाद के बेसल डोज के साथ में, मतलब शुरुआती अवस्था में जो भी खाद आप डालते हैं, या फिर 1 महीने तक, मतलब चावल के जब आप रोपाई कर रहे हैं 1 महीने तक आपको जमीन में भूअस्त्र सुपर डालना है, जो जमीन से आए हुए कीड़ों को नुकसान होने से बचाता है। काम कैसे करता है ये भूअस्त्र सुपर, समझने की कोशिश करिए। जब भी आपने जमीन में डाला, जब भी ये ग्रैन्युलर फॉर्म में है, ये ग्रैन्युलर फॉर्म में आता है, जब भी आपने ये जमीन में डाला, पानी के संपर्क में आया, तो उसके ऊपर में जो भी दवाई चिपकाई गई है ग्रैन्यूल के ऊपर में, वो पानी के संपर्क में आके जमीन में आपकी जड़ों को चिपक जाती है, गोंद की तरह चिपक जाता है, फेविकॉल की जोड़ की तरह चिपक जाता है, मजबूती से चिपक जाता है। जितनी जड़ें मजबूत होती है, बड़ी होती है, लंबी होती है, फाइब्रस होती है, ये सभी जड़ों के ऊपर में, जब तक आपके खेत में चावल धान लगे हैं, खेती में लगे हैं, आलू लगा हुआ है, या फिर हर कोई खेती में आपका जो भी चीज़ लगा है, ये जब तक जमीन में रहेगा, जड़ें जमीन में रहेगी, तब तक वो जड़ों का आपका फायदा पहुंचाते रहेगा, संरक्षण करता है। मतलब अगर 3-4 महीने की अगर आपकी चावल की खेती है, धान की खेती है, अगर ये 5 महीने की खेती है, 4 या 5 महीने की खेती होती है चावल की, 4 महीने की खेती होती है, 4 महीने की खेती में शुरुआती अवस्था में अगर आपने डाल दिया, तो जब तक चावल आपके निकलते नहीं है उस समय तक आपके खेतों का, जड़ों का, चावल की जड़ों का नुकसान होने से बचाते रहता है भूअस्त्र सुपर। जब भी ग्रैन्यूल
पानी के संपर्क में आता है, ये आपकी जड़ों के साथ में चिपक जाता है। जब भी कीड़ा आता है, आपकी जड़ों को नुकसान करने की कोशिश करता है, उस समय ये आपकी 4-point प्रोग्राम होता है। उस कीड़े के साथ में वो आपकी जड़ों को खाने की कोशिश करता है, उसका मुंह बंद हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, पैरालिसिस का अटैक हो जाता है, उसके शरीर से पानी बाहर निकल जाता है, जमीन में उसकी कब्र खुद जाती है, कीड़े खत्म हो जाते हैं, पूरा काम जमीन में ही तमाम। 4 महीना तक काम करता है। बट आप लोगों को बता दो, ये किसी भी फर्टिलाइजर का कोई विकल्प नहीं है। हाँ यही है भूअस्त्र सुपर, बट ये फर्टिलाइजर नहीं है, ये खाद नहीं है, बट ये फाइटोटॉनिक इफेक्ट देता है, क्योंकि इसमें प्लांट ऑयल मिलाए गए हैं। जब भी ये पानी के संपर्क में आता है, आपकी पौधों का या आपकी धान के रोपाई का हाइट बढ़ा देता है, मतलब आपके फर्टिलाइजर का काम कर देता है, थोड़ा सा 20-30% आपका फर्टिलाइजर कम हो सकता है इससे, बट ये फर्टिलाइजर का कोई विकल्प नहीं है। ये जमीन से आने वाले कीड़ों के लिए है, ये दवाई छिड़काव के लिए नहीं है, स्प्रे पंप में इसको ना डालें। ये ग्रैनुल अगले 6 महीने तक आपके जमीन में लगा रहेगा, ये मिटता नहीं है। ये आप पानी बकेट लेके पानी में डाल भी दो, तो ये जो जमीन से आप आने वाले कीड़ों को खत्म कर रहे हैं, उसके लिए भूअस्त्र सुपर आपको इस्तेमाल करना है। ये फाइटोटॉनिक इफेक्ट भी देता है। ये 6 महीने तक आपके खेत में ये ग्रैनुल आपको दिखेगा। जी सर, क्वांटिटी, इसका डोज कितना डालना है? 1 एकड़ में 2 बैग डालनी है आपने, मतलब 4 किलो डालना है, 2 किलो का एक बैग बना हुआ है, 1 एकड़ में 2 किलो डालना है। अगर धान की रोपाई भी हो गई है, उस समय भी आपको 1 महीने तक इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, करना चाहिए। ऐसे कैसे छिड़काव करें, कैसे डालें? अगर आपके चावल के खेत में आपका पहला फर्टिलाइजर का डोज आप डाल रहे हैं, उसके साथ में मिला के आप इसको डाल सकते हैं। अगर आपको खाद पहले नहीं डालना है, या फिर आपकी रोपाई अगर हो चुकी है, तो आप ऊपर से 4 किलो ऐसे फेंक दो, या फिर आप बोलेंगे कि 1 एकड़ में 4 किलो कैसे डालें, तो आप ऐसा करें, 4 किलो में, ये 4 किलो ग्रैनुल में 10 किलो मिट्टी आप डालो, सूखी वाली मिट्टी या रेत पूरा मिला दो, 10-15 किलो इसको कर दो, और फिर आप आपके खेत में इसको फैला दो। फैलाना बहुत जरूरी है, एक बार फैला दिया आखिरी तक आपकी जड़ों का नुकसान होने से बचाता रहेगा। ये प्रोडक्ट है आज, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर 1 एकड़ में 4 किलो अगर आप छिट सकते हैं, फैला सकते हैं, तो इसमें मट्टी या फिर रेत मिलाने की कोई जरूरत नहीं, आप इसको वैसे भी आप कर सकते हैं। ये यूरिया के साथ भी मिलाया जा सकता है, ये आपको डीएपी के साथ भी मिलाया जा सकता है, क्योंकि हम आज आपको कोई केमिकल फर्टिलाइजर का अल्टरनेटिव तो नहीं बता रहे, बट उसका खर्चा जरूर कम करेंगे, बट ये फर्टिलाइजर के साथ भी मिलाया जा सकता है। अपनी कोई भी दवाई किसी भी केमिकल के साथ में मिलाई जा सकती है, बट एक सवाल जरूर पूछ लेना कि जब ये आप डाल रहे हो तो केमिकल क्यों डालना है, ये आपके सवाल आना चाहिए। केमिकल डालने की जरूरत नहीं है, बट आप, हम आज आपको कोई भी फर्टिलाइजर का एब्सोल्यूट अल्टरनेटिव तो नहीं बता रहे, इसलिए केमिकल फर्टिलाइजर आपको जरूर डालना है, उसके साथ में आपको ये डालना है। इसके पहले किसान लोग फोरेट डालते थे, फोरेट थाइमेट बोलते थे उसे, बहुत सारे लोग डालते थे। 4 साल से ये थाइमेट बंद हो गया, फोरेट बंद हो गया। हर किसान जो केसी खेती करता है, जमीन में बीज डालता है या रोपाई करता है, हर किसान की ये पसंद होता है, हर किसान की ये जरूरत होता है। आज यमाई लाइफस्टाइल के पास में ही इसका विकल्प है, हर किसान के खेत में ये जा सकता है, हर किसान आपका मजबूत हो सकता है, हर किसान को ये जरूरत होता है, उसे आप हेल्प करना है। इस प्रोडक्ट के बारे में कोई सवाल? किसान सर पूछ सकता है ना, बाद में करें।
बैंगन है, टमाटर है, आपका चावल की धान की खेती है, जो भी आपने लगा चुके हैं उसमें भी लगाने से एक महीने तक या डेढ़ महीने तक आप इसको जमीन में डाल सकते हैं। अब जब रोपाई हो गई है, सब्जियों की अगर रोपाई होगी तो किस कैसे डालें, आप लाइन में इसको डालें, ऐसा थोड़ा थोड़ा लेके आप इसको डाल सकते हैं। नहीं, पेड़ के ऊपर नहीं डालना है, ये जमीन पर डालना है, नीचे नीचे आप थोड़ा थोड़ा डालें और आगे बढ़े। पानी के साथ में आएगा, जड़ों के साथ में चिपक जाएगा, ये अपना काम करता रहेगा जब तक बैंगन निकलेंगे, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि अमावस के दिनों में कीड़ा जाता कहाँ है, जमीन में जाता है। अगर आपने जमीन में भू अस्त्र डाल दिया तो नीचे से कीड़ा निकलेगा ही नहीं अमावस के दिनों में। धान की रोपाई अगर हो गई है आपकी और अभी खेत पर पानी है पूरा, और आपका अगर धान का रोपाई होने के बाद में खड़ा हो गया है धान, 15 दिन हो गए हैं, एक महीने तक आप इसको डाल सकते हैं। अगर खड़ा हो गया है तो आप फर्टिलाइजर के पहले डोज के साथ में इसको मिला के डाल दीजिए। जब तक धान निकलेगा नहीं, पानी पूरी तरीके से भरेगी नहीं, दाना पूरी तरीके से भरा नहीं जाएगा, तब तक आपके जमीन में आपकी धान का नुकसान होने से बचाता रहेगा। एक से डेढ़ महीने तक आप धान के लगाने से आप इसको डाल सकते हैं। एक एकड़ में 2 बैग डालनी है आपको। ग्रो मैजिक के समय आपको बताएंगे, अभी आगे आने वाला ग्रो मैजिक है। और कोई सवाल इस प्रोडक्ट के बारे में? जी सर पूछे, क्योंकि आप 7-8 प्रोडक्ट जब तक होंगे आप ये क्वेश्चन भूल जाते हैं, इसलिए हम पूछ रहे हैं। हाँ सर, केवल भूवस्त्र अकेले, कोई दूसरा माइक नहीं है? अच्छा सर, केवल भूवस्त्र ही अकेले डालेंगे, जैसे धान की रुपाई हमको करना है तो केवल भूवस्त्र अकेले ही डालेंगे। धान की खेती में केवल भूवस्त्र डालेंगे, यही आपका सवाल है? फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे? नहीं, मान लिया तो अभी तो बात हो रही है सिर्फ भूवस्त्र की, बट जब भी हम कोई फर्टिलाइजर के बारे में आपको नहीं बता रहे, अभी बात हो रही है एक प्रोडक्ट की, तो एक ही प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, आखिरी में आपको कॉम्बिनेशन बताएंगे। भूवस्त्र आपको जमीन से डालना है धान की रोपाई होने के बाद में डेढ़ महीने तक, या फिर कोई भी तरकारी सब्जी की जब भी आपको रोपाई हो गई है तब भी आपको डेढ़ महीने तक इसको डालना है। एक एकड़ में 4 किलो मतलब 2 बैग आपको डालने हैं। और कोई सवाल? बोली ये भूवस्त्र सुपर हर खेती में लगेगा, हर सब्जी में लगेगा, सिर्फ धान और गेहूं के लिए नहीं है, ये हर खेती में लगेगा। जमीनों में बीज अगर डाले जाएंगे तो जमीन मतलब किसी भी प्रकार की आपकी खेती हो, मूली की हो, गाजर की हो, टमाटर की हो, लौकी की हो, करेले की हो, हर खेती में आप इसको डाल सकते हैं। आपकी मूली को नुकसान नहीं होगा, जो कीड़ा आता है ना नीचे से वो नुकसान नहीं करेगा। बीज लगवाने समय आप इसको डाल सकते हैं, उसी समय डालना है जब भी खेत आप तैयार करते हैं ना, जब आप हल चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, और फर्टिलाइजर की मतलब जब पहली मात्रा आप डालते हैं उसी समय आप इसको खेत में डालना है। किसी भी प्रकार से डालें, डालना जरूरी है। जैसे बोलते हैं ना कि अगर आप MLFL के लीडर हैं तो आपने पैसा कमाना जरूरी है, उसी तरीके से अगर आप खेती कर रहे हैं तो ये खेत में डालना जरूरी है। वो फंगस है जो मूली के ऊपर में जड़ में जो स्पॉट पड़ जाते हैं ना, वो फंगस है, वो आने वाले प्रोडक्ट के साथ हम बताएंगे। भूवस्त्र सुपर जमीन से आने वाले कीड़ों के लिए है, ना ये फंगस के लिए है, ना ये बैक्टीरिया के लिए, ना ये वायरस के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ जमीन से आने वाले कीड़ों के लिए है। जो आप बात कर रहे हैं, मुझे लगा वो स्पॉट जो है, पीले स्पॉट जो है, ब्राउन स्पॉट जो है, वो फंगस है, उसके लिए हम यमाई प्राउड के ऊपर में आएंगे। अगर जड़ों में काले धब्बे पड़ जाते हैं
और उसमें कीड़ा अगर है, आपने देखा है कभी कीड़ा नहीं होता है तो वो फंगस है सर, वो आने वाले प्रोडक्ट के बारे में हम बोलेंगे। तो ये प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ जमीन से आने वाले कीड़ों के लिए है। हाँ सर, आम के ऊपर में कैसे इस्तेमाल करना है, आम की खेती के ऊपर में जब भी आपके आम के ऊपर में फूल लगते हैं, जब फर्टिलाइजर का पहला डोज दिया जाता है आम के ऊपर में फ्लश आने के बाद में, उस समय एक पेड़ को अगर वो 5 साल से बड़ा है आम का पेड़, तो एक पेड़ को आपको 100 ग्राम प्रति पेड़ आपको रिंग पद्धति से डालनी पड़ेगी। पूरी जो ट्रंक है पूरा आपको रिंग करना होगा, और रिंग करके आप इसको डालना है, ऊपर से मट्टी आपको फैला देंगे। रिंग कर लो आप पहले लकड़ी से, फिर आप 100 ग्राम गोवत्र डालिए, रिंग को बुझा दीजिए, फैला दें, और पानी जब भी आपके संपर्क में आएगा ये जड़ों के साथ चला जाएगा, 5 फीट तक ये जड़ों के साथ में चला जाता है। आम के लिए जो बताया हमने फार्मूला, उसी तरीके से नींबू के लिए भी होगा, उसी तरीके से अमरूद में भी होगा, उसी तरीके से संतरे में भी होगा, उसी तरीके से कीनो में भी होगा, उसी तरीके से एप्पल में भी होगा, उसी तरीके से हर फलों में होगा, हर फल में होगा। जी सर, एक पेड़ के लिए 100 ग्राम याद रखिएगा फलों वालों। हाँ सर, क्या चीज? हमें तो ये दवाई सिर्फ 4 किलो डालनी है, यूरिया 15 किलो डालो, 20 किलो डालो, 25 किलो डालो, कोई परहेज नहीं है, ये सिर्फ 4 किलो डालना है। किसके साथ? जब भी आप फर्टिलाइजर डालो उस समय आपने इसको डालना है। शुगर केन की खेती में मैं बार बोल दूं, 6 महीने तक इसका असर होता है। शुगर केन आपके यहाँ 10 महीने का खेती है, बराबर है? 10 महीने की खेती में आपको 2 बार डालना होगा, पहले 5 महीने में 1 बार और दूसरे 5 महीने में 1 बार। शुगर केन की खेती में 2 बार आपको गोवत्र सुपर डालना होगा। अगर आपकी खेती में टॉप सीड बोरर आ रहा है, आप लोगों को पता है पंजाब और हरियाणा में बहुत अच्छी शुगर केन की खेती की जाती है, 1 एकड़ में 30,000 की टॉप शूट बोरर, मतलब गन्ना जब इतना होता है उसी समय ये टॉप शूट बोरर आता है ऊपर में, ऊपर के इसमें सुंडी घुस जाती है, ऊपर से सुंडी नुकसान करती है, गन्ना ऊपर आने नहीं देता, और उसके लिए गन्ने के किसान जो है इतनी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, 15-15, 20-20 छिड़काव कर देते हैं, 30,000 का नुकसान कर देते हैं। हमने पंजाब में हरियाणा में 30,000 की जगह पे 2500 का ट्रीटमेंट दिया, एक स्प्रे में हमने टॉप शूट बोरर को कंट्रोल करके दिखाया है, ये सक्सेस स्टोरी है। 30,000 का काम सिर्फ 3,000 में करके दिया, कितने जीरो कम कर दिए, किसानों का पैसा बचाया है। भूअस्त्र सुपर कतई फर्टिलाइजर का एब्सोल्यूट अल्टरनेटिव नहीं है, ये खाद नहीं है, ये जमीन से डालने वाली दवाई है, ये पंप से छिड़काव किया हुआ दवाई नहीं है। 3 से 5 महीने की जो भी खेती है उसमें आप 1 एकड़ में 4 किलो डालना है, और बहुवार्षिक जो खेती है या फिर फलों की जो खेती है जो सालों साल चलती है, वो खेती में आप भी जब जब फूल लगता है उस समय आपको रिंग पद्धति से आपको एक पेड़ के लिए 100 ग्राम डालना है, 1 एकड़ में जितने भी आपके पेड़ आते हैं उस हिसाब से आपको इसको डालना है। आगे बढ़े, ये इस तरीके से गोबर खाद के कीड़े आते हैं, दीमक आती है। एक बात मैं बताना भूल गया, जमीनों से आने वाले कीड़ों में जो आपकी जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं उसी कीड़े को नुकसान करता है, अपना भूअस्त्र सुपर खत्म करता है 4 पॉइंट प्रोग्राम से। बट जमीन में केंचुए भी रहते हैं, केंचुए रहते हैं जो किसानों के मित्र हैं। ये बोला जाता है कि ये मट्टी खाता है और ये मट्टी खाते हुए फर्टिलाइजर को, मतलब खाद को छोड़ता है पीछे, तो इसकी जो विष्ठा होती है
ये फर्टिलाइजर होता है, ये किसानों का दोस्त है, क्या ये केंचुओं को खत्म करता है? नहीं, ये केंचुओं को खत्म नहीं करता, क्योंकि केंचुए मट्टी को खाते हैं, जड़ों को नहीं खाते। अपनी दवाई तो जमीन में जाके जड़ों के साथ चिपक जाती है, फिर मट्टी में नहीं रहती हो। ये मट्टी में आते हैं, मट्टी को खाते हैं और मट्टी ही छोड़ते हैं। तब ये जिस खेत में केमिकल डाला जाता है उसमें केंचुए नहीं मिलते, बट जिस खेत में गोबर सुपर डाला जाता है उस खेत में केंचुए बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। ये मरते नहीं है, केंचुओं की मात्रा बढ़ जाती है। अब केंचुआ आपके खेत में बढ़ने के लिए लोग तो केंचुओं की खेती भी करते हैं, उसके बीज भी डालते हैं केंचुओं के, अगर वो डालते हैं और ऊपर से केमिकल डालते हैं तो वो तो मर जाएंगे। अपनी दवाई के साथ में केंचुओं को नुकसान नहीं होता है, क्योंकि वो आपकी जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाते। ग्रो मैजिक एडवांस, ये अगला प्रोडक्ट है अपना, नैनो टेक्नोलॉजी का। ये नैनो टेक्नोलॉजी का थर्ड जनरेशन, पहली बार भारतवर्ष में इंडिया में लॉन्च किया गया। एग्रीकल्चर के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का सबसे पहला प्रोडक्ट है जो ग्रो मैजिक एडवांस, सबसे पहला प्रोडक्ट। आधुनिक खेती करने के लिए हम बार बार बोलते हैं किसानों को, तो नैनो टेक्नोलॉजी। अभी ये नैनो टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में काम कैसे करती है, क्यों हमने नैनो टेक्नोलॉजी लाई है? नैनो टेक्नोलॉजी मतलब जो आपको रिजल्ट चाहिए वो कम से कम मात्रा में आपको बड़ा धमाका करता है, मतलब कम मात्रा में बहुत बड़ा रिजल्ट। ये नैनो टेक्नोलॉजी, ये नैनो टेक्नोलॉजी आपके पाँच पाँच फर्टिलाइजर का बैग, पाँच बैग अगर DAP, पाँच बैग यूरिया अगर आप डाल रहे, उससे ग्रो मैजिक एडवांस की ये छोटी सी पुड़िया, 100 ग्राम की पुड़िया है, ये उससे इक्विवेलेंट है। कैसे मैं आपको बताता हूँ। ग्रो मैजिक एडवांस, जब भी आप खेत में फर्टिलाइजर डालते हैं, जब भी फर्टिलाइजर आप खेत में डालोगे उस समय फर्टिलाइजर का आपको डोज आधा करना है, और उसके साथ में ये छोटी सी 100 ग्राम की पुड़िया आप मिला के डालिए। मतलब मान के चलिए कि चावल की खेती में या धान की खेती में कितना फर्टिलाइजर डालते हैं आप? 25 किलो डालते हैं एक एकड़ में। हाँ, DAP एक बैग डालते हैं, वही 50 किलो के आसपास आ गया। 50 किलो से लेके 75 किलो के बीच में आप लोग डालते हो, बराबर एक एकड़ में। अगर आप ग्रो मैजिक एडवांस अगर आप डालो तो फर्टिलाइजर का डोज आधा हो जाता है, और अगर आप 25 किलो अगर डाल रहे हैं तो ग्रो मैजिक एडवांस डालने के बाद में आपको फर्टिलाइजर डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या करता है ये? फर्टिलाइजर का विकल्प है? नहीं, ये फर्टिलाइजर का विकल्प नहीं है। बट जो फर्टिलाइजर आप अपने खेत में डालते हैं वो कभी भी आप देखिएगा 80% जो फर्टिलाइजर आप खेत में डालते हैं वो आपके खेतों को तो मिलता ही नहीं है, क्योंकि जब भी आप फर्टिलाइजर डालते हैं तो खेतों में ये भाप बन के उड़ जाता है या पानी के साथ में नीचे चला जाता है। 80% जो खाद आप खेत में डाल रहे हैं वो कभी भी आपके पौधों पर नहीं मिलता है। जब भी आप फर्टिलाइजर का आधा डोज करोगे, अगर 50 किलो फर्टिलाइजर डाल रहे 25 किलो ही फर्टिलाइजर डाले, उसके साथ में ग्रो मैजिक एडवांस अगर आप एक पुड़िया डालोगे तो आपका जितना फर्टिलाइजर आप खेत में डाल रहे हैं वो पूरा का पूरा फर्टिलाइजर आपके पौधों को मिलता है। ये क्या करता है? जो फर्टिलाइजर आपके खेत में है वो फिक्सेशन फॉर्म में जाने नहीं देता, मतलब भाप बन के उड़ जाने के लिए नहीं देता है, या जमीन में पानी के साथ में नीचे जाने के लिए नहीं देता है। ये पूरा का पूरा फर्टिलाइजर जो है आपके पौधों को लगने के लिए फास्ट काम करता है। कैसे काम करता है आप समझिए। अगर यूरिया आप जमीन में अगर आप यूरिया दे रहे हैं, यूरिया आपके पौधों को लगने के लिए 21 दिन लगते हैं। अगर आज आपने यूरिया जमीन में डाला तो नाइट्रोजन आपके पौधों को लगने के लिए 21 दिन लगता है। तब तक आप यूरिया ऐसे खोल के बैठो तो ऐसे ही 2 घंटे में भाप बन के उड़ जाता है, पानी हो जाता है, पत्थर बन जाता है,
और जमीन के नीचे चला जाता है, 21 दिन तक जमीन में नहीं रहता। उसमें नेफ्ता होता है, नेफ्ता आप लोग जानते हैं, नेफ्ता की गोलियाँ आती है जो कपड़ों में हम डालते हैं ताकि आपके कपड़ों को भी दीमक वगैरह ना लगे, ये होता है नेफ्ता, जो आप जमीन में डालते हैं ये बाग बन के उड़ जाता है। जो नेफ्ता की गोली है वो भी तो बारीक बारीक हो जाती है ना, घर में होती है ना, वही नेफ्ता होता है यूरिया में, वही नेफ्ता होता है फर्टिलाइजर में, ये उड़ जाता है, बाग बन के उड़ जाता है। नुकसान आपके किसानों का होता है अगर आप ये डालते हैं तो 21 दिन का काम 7 दिन में कर देता है आपका फर्टिलाइजर। इमीडिएटली आपके पौधों को खेत को लग जाता है, इमीडिएटली बढ़ जाता है। खेत आपका 21 दिन तक क्यों रहा देखे कि फर्टिलाइजर डाला है, 21 दिन तक रुक जाओ। बगल वाले का खेत 21 दिन तक रुकेगा, आपने ग्रो मैजिक एडवांस डाला है तो ये फर्टिलाइजर के साथ में अगर आपने डाला है तो आपका पौधा इतना हो जाएगा, उसका पौधा पैर पे ही रहेगा, छोटा सा ही रहेगा, क्योंकि वो तो इंतजार कर रहा है 21 दिन, हमने तो 5 दिन में 7 दिन में काम कर लिया। ये फास्ट हो जाता है आपकी एक्शन। जब जब भी आप फर्टिलाइजर डालें खेत में, तब तब आप फर्टिलाइजर का डोज आधा करें और उसके साथ में ग्रो मैजिक एडवांस डालें। एक एकड़ में 100 ग्राम डालना है। सुनिए तो बड़ा एडवांस चल रहे हैं आप लोग, प्रोडक्ट की तरह ही एडवांस चल रहे हैं। लेक्चर होने तक आपके सब सवालों का जवाब मिल सकता है। प्रोडक्ट होने तक किसी को इजाजत नहीं है सवाल पूछने, क्योंकि हो सकता है कि हमारे लेक्चर के दौरान आपको सभी आंसर्स मिल जाए, अगर ना मिले तो प्रोडक्ट के बाद में जो हम सवाल जवाब कर रहे हैं उस समय आप पूछें, क्योंकि हमारी लिंक टूट जाएगी तो बहुत सारी बातें जो हमें बतानी है वो हम भूल जाएंगे, सॉरी टू से। बट ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, जब भी आप फर्टिलाइजर डालें उसके साथ में फर्टिलाइजर का डोज आधा करें, उसके साथ में ग्रो मैजिक एडवांस आप जमीन में डालें। इसका दूसरा एप्लीकेशन आपको कब करना है, जब आपकी धान की अभी रोपाई हो रही है, आपने धान लगवाया है या फिर सब्जियों की रोपाई अगर आपने करी है या जमीन में आपने बीज डाला है, बीज अंकुरित होके जमीन से बाहर निकल गया, जमीन में आपने रोपाई होने के बाद में जमीन के ऊपर में धान आपका खड़ा हो गया, 30 से 35 दिन हो गए अंकुरित होने के बाद, 30-35 दिन हो गए, 30-35 दिनों के बाद में इसका पहले एक छिड़काव करना है, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम के हिसाब से आपका इसका छिड़काव करना है। क्या फायदा होगा छिड़काव होने के बाद, जब भी आप धान की खेती में इसका छिड़काव कर रहे हैं 1 लीटर पानी में 1 ग्राम के हिसाब से, तो आपकी शुरुआती अवस्था में जितने फुटाव निकलते हैं ना, कितने फुटाव निकलते हैं धान में, एक जगह से 15-30 15-20 मैंने सुने तो 30 तक आते हैं, 30 तक रिसर्च पेपर में भी नहीं आता है, गवर्नमेंट का डेटा भी नहीं है 30 का। आप जाओ 15-20 आते हैं, 21-22 आते हैं, ज्यादा से ज्यादा 20 तक आपके खेतों में देखा जा सकता है। बट जनरली देखा गया है कि जो किसान खेती करते हैं 10 ज्यादा से ज्यादा 15 12-15 हो जाता है, मान के चलिए कैलकुलेशन के लिए हम 15 बोलते हैं। जब भी आप पहला छिड़काव ग्रो मैजिक एडवांस का 30-35 दिनों के दौरान जब भी आप चावल की खेती में करते हैं या फिर सब्जियों की खेती में करते हैं तो शुरुआती अवस्था में फुटाव बढ़ जाते हैं। अगर 15 फुटाव आपकी एक जगह से निकल रहे हैं तो 25-30 फुटाव निकल जाएंगे। पहली बार आपकी खेती में 25-30 फुटाव आएंगे, पहली बार एक जगह से ज्यादा फुटाव करने का काम ये करेगा, ये गेहूं में भी करेगा, आपकी धान की खेती में भी करेगा। एक जगह से 15 फुटाव मतलब 15 बालियां, अगर आपने ग्रो मैजिक एडवांस का छिड़काव किया तो एक जगह से 25-30 फुटाव निकले मतलब 30 बालियां, 15 बालियों की उपज या 30 बालियों की उपज, कौन सी उपज लेनी है किसान को? अगर 30 बालियों की उपज करनी है तो आपको 30-35 दिनों के अंतराल में पहला छिड़काव करना होगा। ये आपकी ब्रांचेस को बढ़ाएगा, उठाव को बढ़ाएगा, हाइट को बढ़ाएगा, सब्जियों में ब्रांचेस को बढ़ाएगा, पत्तों को लंबा चौड़ा करेगा,
एक्टिव बनाएगा, टेस्टी बनाएगा, आपकी पत्तों को एक्टिव बनाएगा, बायोकेमिकल रिएक्शन फास्ट करेगा। जब भी शुरुआती अवस्था में शरीर सुदृढ़ बनाने का काम, पौधे का शरीर सुदृढ़ बनाने का काम ग्रोमैजिक एडवांस का पहला छिड़काव करेगा। दूसरा छिड़काव कब होगा? दूसरा छिड़काव जब भी आपकी चावल की खेती में बाली निकलेगी, सब्जी की खेती में फूल लगेंगे, फ्लावरिंग अवस्था होगी, आम के ऊपर में जब फूल लगेंगे, मतलब आम के पेड़ के ऊपर में जब भी फूल लगने की अवस्था आती है, उस समय 1 लीटर पानी में 1 ग्राम के हिसाब से दूसरा छिड़काव करना है। क्या करेगा ये आपके ग्रोमैजिक एडवांस, जब भी आप छिड़काव करते हैं आपकी चावल की बाली पूरे दाने भरे जाते हैं। आपने चावल की बाली अगर देखी होगी आखिरी तक, जब भी आप ठोकते ना उसे बाली सूखने के बाद में, देखना आप बाली में हाथ लगा के देखना, दाने पूरे तरीके से भरे नहीं जाते, आखिरी की छोर तक दाने बाली पूरी भरी नहीं रहती दानों से। ये गेहूं के साथ में भी होता है, 20-30% बाली खाली रहती है, दाने भरे नहीं जाते। ये किसान अपने आप को कोसते रहता है, ये कभी भरी नहीं रहती है। आज तक आप लोगों ने देखा 20% बाली भरी नहीं रहती है। ग्रो मैजिक एडवांस का अगर आप स्प्रे करते हैं तो बाली पूरी तरीके से भरी जाती है, हर बाली के कॉर्नर में दाना भरा जाता है, मतलब 20% आपकी उपज तो यही बढ़ गई। हमने कल्लों में भी फुटाव जहाँ मिलते हैं 25-30 फुटाव कर दिए, वहाँ पर भी आपका उपज बढ़ गया, यहाँ पर 20% आपका उपज बढ़ गया, टेस्ट वेट बढ़ जाता है। टेस्ट वेट 100 दानों का वजन, अगर आप चावल के 100 दाने अगर आप लेंगे उसका अगर वजन 50-52 ग्राम का अगर आपको मिलता है, अगर ग्रो मैजिक एडवांस का आपने अगर स्प्रे कर दिया तो वही 100 दानों का वजन 50 ग्राम की जगह पे आपको 70-75 ग्राम का निकलता है। टमाटर वही जो साइज आपको चाहिए, पर टमाटर एक टमाटर का वजन जो 70-80 ग्राम का होता है वो 110 ग्राम का हो जाएगा। बैंगन की खेती में जो बैंगन 50-60 ग्राम का होता है वही साइज उसकी रहेगी, वो 75 ग्राम का कहलाएगा। मतलब 1 किलो में बैंगन अगर 8-10 आते थे तो अब 6-7 आएंगे, मतलब किसानों की उपज बढ़ गई, आय बढ़ गई। बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? ऑयल की खेती में अगर ग्रो मैजिक एडवांस अगर आप फर्टिलाइजर के साथ में जमीन में दे रहे हैं तो जमीन में आलू की खेती में या फिर गाजर की खेती में, मूली की खेती में या फिर जमीन में अदरक की खेती होती है, हल्दी की खेती होती है, इसमें क्वालिटी बढ़ जाती है। एक समान पैज जमीन से निकलता है, एक समान आलू जमीन से निकलता है, एक समान गाजर जमीन से निकलेंगे। छोटा गाजर बड़ा गाजर नहीं निकलेगा, आलू कभी बड़ा कभी छोटा नहीं निकलेगा, पैज कभी बड़ा या छोटा नहीं निकलेगा। हल्दी की जो ये होती है वो जमीन से दुगनी तेजी से बढ़ते हुए, हल्दी का एक मुट्ठी अगर निकल रहा है तो 5-5 मुट्ठी जमीन से निकलेगी। अदरक की खेती अगर आप कर रहे हैं तो जमीन से 5-5 मुट्ठी निकलेगी। अगर आपने जमीन में फर्टिलाइजर के साथ में केले में अगर डाल दिया तो जब भी कमल बाहर निकलता है, कमल का और बीजेपी की कमल का कोई संबंध नहीं है, जो केले का कमल बाहर निकलता है मतलब फूल बाहर निकलता है, उस समय अगर आपने ग्रो मैजिक का एडवांस का छिड़काव कर दिया तो केले के फल आखिरी की छोर तक भरे जाते हैं। इसमें केले में 50% उपज बढ़ने की चांसेस होते हैं। मजा आ रहा है? यस सर। अब वजन कैसे बढ़ता है? ऑयल का कंटेंट बढ़ता है, अल्कलॉइड कंटेंट बढ़ता है। अगर मिर्ची आप दे रहे तो उसका तेजपन बढ़ाएगा। चाय की खेती में दे रहे तो प्रीमियम चाय की पत्ती बनेगी, नहीं आपका 10% बढ़ाएगा। कॉफी में कैफीन का % बढ़ाएगा, आपके फलों में शक्कर का % बढ़ाने का काम करता है, गन्ने में शक्कर का % बढ़ाने का काम करता है, गन्ने को चौड़ा मजबूत बनाने का काम करता है, आपके फलों में कीपिंग क्वालिटी बढ़ाने का काम करता है। लंबे जगह तक आप इसको ये कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, कीपिंग क्वालिटी बढ़ती है।
उसकी चमक बढ़ती है, आम की चमक बढ़ती है, उसकी टेस्ट बढ़ती है, उसकी सुगंध बढ़ती है, फूलों की खेती में सुगंध बढ़ती है, दूर दूर तक आपको इसकी सुगंध सुनाई मतलब सूंघेंगे तो आपको दिखेगी। फूलों की खेती में ये होता है। आप कोरिएंडर धनिए की खेती करते हैं, आजकल धनिया कौन सा मिल रहा है, पैकेट वाला धनिया मिल रहा है, लोग बोलते हैं विलायती धनिया है, हाइब्रिड धनिया है, जिसमें सब्जी में डाल के किसी भी माता को वो स्मेल नहीं आती सब्जी में। आजकल सब्जी में आप कितना भी धनिया डालो वो वाला स्मेल नहीं आता, इसके बाद में ऐसे नहीं होगा। अगर आपने एक छिड़काव कर लिया धनिया के ऊपर में तो 45 दिन का जो धनिया है जो मार्केट में जाने वाला है वो 30 दिन में ही आपके खेत से निकल जाएगा। और जो गावरान टेस्ट होगा उसमें, जो सब्जी में टेस्ट आएगा, वाह क्या बात है, जबरदस्त टेस्ट आएगा, सुगंध उसकी बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, 80% सुगंध बढ़ जाएगी। मतलब पत्ता धनिए का एक पत्ता डालो तो एक सब्जी के काम हो जाएगा, इतना जबरदस्त सुगंध हो जाएगा, मस्त हो जाएगा। और 45 दिनों का जो धनिया निकालने वाले हैं आप वो 30 दिनों में निकल जाएगा। ये फायदा होता है ग्रो मैजिक एडवांस। पालक में पत्ता चौड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, बट टेस्टी रहेगा। जब भी पालक आप उसको मोड़ोगे कड़ से आवाज आएगी, जितना आवाज आएगा पालक में उतना वो रसीला होता है, उतना वो सब्जी में टेस्ट देता है। जब भी एग्रीकल्चर में काम करो तो सब्जी कौन सी अच्छी है, मेरी बीवी से अच्छा मैं सब्जी चुन सकता हूँ क्योंकि वो नॉलेज रखनी पड़ती है। अरे एक बात डालने कितने दिन तक काम करेगा, क्या चीज, एक बात डालेंगे तो कितने दिनों तक सब्जी काम करेगा? एक बार आप टमाटर में डालोगे तो 6 महीने तक ये काम करता रहेगा, एक छिड़काव फूलों के ऊपर में, एक छिड़काव 30-35 दिनों में, और एक जमीन से एप्लीकेशन फर्टिलाइजर के साथ में ग्रो मैजिक एडवांस का काम खत्म। या फिर आपकी खेती कम से कम दुगनी हो सके, कम से कम दुगनी होगी, फर्टिलाइजर का खर्चा आधा हो जाएगा, छिड़काव का खर्चा आधा हो जाएगा, और आप तोड़ते रहोगे लौकी तुरई बेल वर्गीय जो भी सब्जियां है, बेल वर्गीय मालूम है, लौकी हो गया, तुरई हो गया, करेला हो गया, ककड़ी हो गई।